और बारिश की। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं एक बार फिर से महाराष्ट्र की, जहां पर बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भंडारा जिले में जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। जिले में स्थित भगेड़ा झील ओवरफ्लो होने के बाद पास के गांव में तांडव मचा रही है। सैलाब की चपेट में आने से 40 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़क हो या घर सब कुछ सैलाब की चपेट में आ चुका है। तो महाराष्ट्र के भंडारा की तस्वीरें आपके सामने, देखिए सब कुछ यहां पर सैलाब की चपेट में आता हुआ, घर गाड़ियां स्कूल कॉलेज पार्क सब कुछ डूब चुका है। अब आपको एक और तस्वीर महाराष्ट्र की ही दिखाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों में उफान है तो निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद एक पूरा इलाका पानी में डूब गया, क्या सड़क क्या दुकानें सभी पर पानी का कब्जा दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया हुआ है। तो महाराष्ट्र के दो अलग अलग जगहों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो अभी तक जानकारी है 119 लोगों की मौत अभी तक महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हो चुकी है। और यही वजह है कि कई इलाकों पर में रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। इतना ही नहीं, साफ तौर पर कहा गया कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का सामना महाराष्ट्र को करना पड़ सकता है और इसीलिए प्रशासन सतर्क पर रहे। लेकिन प्रशासन से लोगों की बहुत नाराजगी है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नदी नाले जो है वो साफ नहीं होते, जिस वजह से आज ये पानी इतना ज्यादा सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ डूबता हुआ यहां पर साफ तौर पर। और महाराष्ट्र के बाद आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ से गिरे हुए दो ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इससे पहले देवास जिले के बीसाखेड़ी में लगातार बारिश हुई और जिसके बाद लोदरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उसमें दो किसान फंस गए और इसी बीच स्थानीय लोगों ने उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई और उसके बाद मौके पर प्रशासन के लोग पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह तस्वीरें देखिए, ये जो रेड सर्कल में दरअसल आप देख पा रहे हैं, आप आसानी से समझ सके इसीलिए हम आपको रेड सर्कल में दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही दो ग्रामीण हैं जो देखिए पानी के तेज बहाव में किस तरीके से बीच में फंस गए थे और कोशिश लोगों ने की कि किसी भी तरीके से इनको बचाया जा सके, क्योंकि एक एक जान बहुत कीमती है। लेकिन जब लोग असफल हुए उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की कई टीमें पहुंची, प्रशासन ने कोशिश की, रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद इनको बाहर निकाला जा सका। तो देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की लगातार चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं सैलाब के बीच से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है तो कहीं बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है, तो कहीं किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब की टक्कर से सहमे शहर, कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं लहरों के बीच फंसी जिंदगी। मानसून में बारिश का टॉप गियर, कुदरत के इस प्रहार ने मानो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। देश के कई राज्यों में बादल ऐसे बरस रहे हैं कि हर तरफ सैलाब की दहशत दिखाई दे रही है। क्या इंसान क्या बेजुबान, हर किसी के लिए सैलाब चुनौती बना हुआ है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ से घिरे दो ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वाकया जिले के बीसाखेड़ी इलाके का है। यहां भारी बारिश के बाद लोदरी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से दो किसान सैलाब में फंस गए। पहले तो दोनों को रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मौके पर पहुंचे प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
बैतूल में पुल के ऊपर से बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया, लेकिन अगर कुछ सेकंड की और देर हो जाती तो मोटरसाइकिल सवार नदी की फंती लहरों में समा जाता। बैतूल से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह से लोगों को मदद करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि नदी में आए उफान की वजह से एम्बुलेंस इस गांव तक नहीं पहुंच सकती थी, लिहाजा लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महिला को चारपाई पर लेटाकर नदी को पार कराया। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में लंबे वक्त से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी की वजह से हर बार ऐसे ही लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल रायपुर बलौदा बाजार की मुख्य सड़क का है, जहां 24 घंटे में इतना पानी बरसा कि बरसाती नदी का पानी सड़क पर बहने लगा, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आलम यह है कि सड़क से गुजरना भी काफी मुश्किल हो रहा है। राजनाथ गांव में भी भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। पानी न सिर्फ लोगों के घरों में घुस गया बल्कि लोगों को इन हालात की वजह से खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ बैराज से करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। इतना चीज नुकसान हो गया, अभी हम लोग को अभी अंदाजा नहीं है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में एक कार बुरी तरह से फंस गई, जिसे निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। दरअसल यहाँ पिछले कुछ दिनों से पूरे इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इलाके की कई सड़कों पर पहाड़ से आए मलबे ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी बीच वहां से गुजर रही एक कार पहाड़ से आए मलबे में बुरी तरह फंस गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने कार को कीचड़ से निकालने का काम शुरू किया। पहले कार के टायरों के पास से मिट्टी हटाई गई, इसके बाद कई लोग उसे धक्का देकर कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए, लेकिन कार इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि तमाम कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल सकी। बाद में कार के आसपास थोड़ी और मिट्टी हटाई गई, तब जाकर कार बाहर आई। और आइए अब आपको नेपाल से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी में आए उफान की वजह से लहरों का वेग मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। आलम यह हो चुका है कि नदी का पानी अब आबादी वाले इलाके से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। मंडी में भी भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से सड़क पर सैलाब बह रहा है। स्कूल और घरों में कई फीट पानी भरा हुआ है, तो वही नदी का जलस्तर लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो कभी भी ओवरब्रिज को छू सकता है। तो हिमाचल के मंडी की तस्वीरें देखिए, जहां नजर डालेंगे वहां सिर्फ पानी ही पानी। क्या स्कूल, कॉलेज, खेत खलिहान, घर सब कुछ डूब चुका है। और यही वजह है कि अब प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, लेकिन कई लोग ऐसे हैं देखिए जो समझने का नाम नहीं ले रखेंगे। यही वजह है कि देखिए शख्स आपको नजर आ रहा होगा गाड़ी में बैठा हुआ। हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसे में सैलाब में लगातार गाड़ियां जो है वो फंस रही और लोगों का रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो महाराष्ट्र की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। आलम तो ये हो चुका है कि महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ का खतरा वहां पर लगातार मंडरा रहा है। कहीं पुल पर सैलाब है तो कहीं घरों के अंदर पानी घुस चुका है। अब आपको महाराष्ट्र के राज्यों के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए महाराष्ट्र के वर्धा में, जहां पर एक पुल सैलाब में डूब चुका है। गढ़चिरौली में तो एक पूरे इलाके पर ही पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। कणकवली में एक पुल लहरों में समा गया जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। सोलापुर में तो शव कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए लोगों को फंती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। कोल्हापुर में बांध से प्रशासन लगातार पानी छोड़ रहा है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। तो वही अमरावती में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। और अब आपको पांच तस्वीरें दिखा रहे हैं। पांच तस्वीरों के जरिए देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें महाराष्ट्र की, जहां पर किस तरीके से पानी में डूबता हुआ हर इलाका नजर आ रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर रोज सामने आती हुई तस्वीरें लगातार लोगों को डरा रही है। आफत बना पानी, मुश्किल में जिंदगानी, मानसून में मुसीबत वाली बारिश, सड़कें पानी से फुल, बह गया पुल। महाराष्ट्र के कणकवली से भी खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहां एक पुल सैलाब में बह गया। कणकवली इलाके में बहने वाली कण नदी भारी बारिश की वजह से उफान पर है। उसका तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब दिख रहा है और नदी पर एक पुल तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। पुल के बह जाने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी नदियां उफान पर हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं और कई गाँव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उनका संपर्क भी मुख्य मार्ग से खत्म हो चुका है। उफनाते डैम के खोले गए फांटर, मूसलाधार बारिश, पनिया पर महाराष्ट्र में मानसून की बारिश किस कदर कहर बरपा रही है इसका अंदाजा उफनाते बांधों को देखकर ही लग रहा है। कोल्हापुर का राधा नगरी डैम पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और अब पानी डैम के ऊपर से बहने को बेताब दिखाई दे रहा है। तो वही महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बने पुजारी टोला बांध के सभी 13 गेट खोल दिए गए जिसकी वजह से आसपास के जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और बांध उफान पर है। तो वही पानी दो दिन से होने वाली बारिश से कोल्हापुर के पंचगंगा रिवर का पानी है तो बढ़ता ही जा रहा है। पंचगंगा रिवर ने वार्निंग लेवल क्रॉस करके अभी डेंजर लेवल तक पंचगंगा रिवर का पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं पंचगंगा नदी का पानी कितना बढ़ चुका है और काफी लो एरिया में वो पानी जा सकता है। इस वजह से प्रशासन भी अभी अलर्ट मोड पे आ गया है। पहाड़ पर बारिश का प्रहार, महाराष्ट्र ही नहीं देश के कई हिस्सों में मानसून ने मुसीबत बढ़ा दी। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश पहाड़ों पर मुसीबत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से यहां के हाथी पर्वत में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि पहाड़ का मलबा नीचे बद्रीनाथ हाईवे तक जा पहुंचा
जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। तो महाराष्ट्र के जलगांव में जोरदार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डैम भी ओवरफ्लो हो गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखें कि जलगांव डैम के ओवरफ्लो होने के बाद उसके गेट खोल दिए गए, जिसके बाद पानी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीर आपको जलगांव के दिखा रहे हैं, जहां डैम के गेट खोल दिए गए और उसके बाद पानी का बहाव इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ, और यही वजह कि अब खतरा जो है वो निचली जगहों पर बहुत ज्यादा मंडराने लगा है, क्योंकि गांव-गांव जो हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और अब शहरों में भी पानी घुसता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर वन चैनल।